وأحسن منك لم قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. किताब बरकत वाली है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाया है ताकि दानिश मंद लोग इसकी आयतों में गौर विक्र करें और नसीहत हासिल करेंदमदरत मरत सामायी नाजरीन करामक वरम वक्विन कराम सूर्य आल इमरान आज का मौजूद इसके साथ आज के सबक का आगाज करते हैं सबसे पहले गुजश्ता सबक का एरादा होगा पना मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूत से बिस्मिल शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान نهاية رهن زُيِّنَ للناسِ حبُّ الشهواتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ وَالْقَنَاطِيرِ المقنطرة مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ लोगों को उनकी ख्वाहिशों की चीजें यानी औरतें और बेटे और सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेर और निशान लगे हुए घोड़े और मवेशी और खेती बड़ी जीनतदार मालूम होती है मगर ये सब दुनिया ही की जिंदगी के सामान है और खुदा के पास बहुत अच्छा ठिकाना है قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان ल्लाह। उनसे कहो कि भला मैं तुमको ऐसी चीज बताऊं जो इन चीजों से कहीं अच्छी हो सुनो जो लोग परहेजगार हैं उनके लिए खुदा के यहाँ बागाते बहिश्त हैं जिनके नीचे नहरें बह रही है उनमें वो हमेशा रहेंगे, और पाकिजा औरतें हैं और सबसे बढ़कर खुदा की खुशनुदी और खुदा अपने नेक बंदों को देख रहा है पर्वन कराम सूर आल इमरान आयत नंबर चौदह लफजी तर्जुमा जिननास खुशनुमा कर दी गई है अच्छी दिखा दी गई है हब्ब लोगों के लिए हब्ब शहावावत ख़्वाहिशात की मोहब्बत मिनन नसाए मसला औरतें वलबन बेटे वल़ना तिरमुकरतमिनब वलफा और ढेर खनातीर ढेर मुकंतरते जमा किए हुए सोने और चांदी केवल खैलमसमत निशानजदा घोड़े वल, निशान वल अनाम और मवेशी वल हर्ष खेतियाँ लाल का मताउल हयात दुनिया ये तो दुनिया की ज़िंदगी का साजो सामान है हु माअब और अल्लाह के पास अच्छा ठिकाना है कुल उकुम उकुम्ब खैर आप इनसे कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें बताऊँ बेहतर इससे लल लजीनत तक इंद रब हिम जो लोग मुतकी हैं रब के पास उनके लिए बागात हैं तजरम तहत अल अनहारो जिसके नीचे नहरें जारी हैं खालिदीन फीहा हमेशा रहेंगे उसमें व अजवाजु मतहातुल और जोड़े पाक बरदवान्ला और अल्लाह की रज़ा व्ला बशर उम बिलाबाद और अल्लाह ताला अपने बंदों को देखने वाला है देख रहा है अल्लजी कुलना ये वो लोग हैं जो कहते हैं आ इन रबना ए हमारे रब इन्ना ना आमन्ना बेशक हम ईमान लिया फ़खना हमें बख्श दे हमारे गुनाह वकीना नार और आग के अजाब से हमें बचा ले असाबरीना ये सब्र करने वाले हैं सच्चे हैं कान्तिन हुक्म बजा लाने वाले हैं मुनफ़िन खर्च करने वाले हैं बलमस्तक बख्शिश मांगने वाले हैं बिलसार पिछली रात में शहद अल्लाहल्ल तवाही दी अन्हू कि अल्लाह के सिवा कोई महूद नहीं बल बलमलायतो और फरिश्ते व इल्म और इल्म वालों ने भी कायमम किस्त और वही इंसाफ़ हाकम है इंसाफ़ के साथ ला ला लाहु नहीं है कोई महूद माँ सिवा उसके आज़ीज़ ज़बरदस्त है अल हकीम हमत वाला है चावल इक्रम आयत बड़ी अहम है दरअसल अल्लाह ताला हमें आ, ये बता रहे हैं कि देखो तुम्हारी तरक्की का राज तुम्हारे रूज का राज इसमें है कि तुम अल्लाह को अपना माबूद जान लो यकीन कर लो कि अल्लाह ही तुम्हारा माबूद है मकसूद है महबूब है और मतलूब है ये सारा मजमून इसी तनाजुर में है सामने क्रम देखिए असल चीज़ जो है वो तोहीद है अ तोहद और असात तमाम इतातों की जड़ जो है वो तो है और तोहद का मैं आपको कहता रहता हूँ कि हमारे जो अलाहत हैं दीनी हैं एक तो हम उनका माना समझते नहीं हैं दूसरे उनका माना हमने महदूद कर दिया है बहुत ज़्यादा उनमें से जो हमारी बुनियाद है तोहीद उसके बारे में भी हम यानी बहुत ज़्यादा महदूद माना करते हैं हालाँकि इसका जो माना है वो ज़ाहिर है जाहिर का मतलब वो वाजे है लेकिन हम उस पर सोचते नहीं हैं और सिर्फ़ इस पर तो नहीं हर किसी चीज़ पर दीन की असलाह के या दीन के बारे में हम सोचने यानी सोचते नहीं हैं और न चाहते हैं कि हम इस पर सोचें सोच व विचार और क़ुरान में तो अल्लाह ताला ने हमें तदब्बुर का हुक्म दिया है तकुल का हुक्म दिया है अफलाए तदबरून अल क्रन अम अलू बिन अकफाल क्या ये कुरान में गौर फिक्र नहीं करते या इनके दिलों दुलों ताले हैं तो बहरहाल आपको ये देखना होगा सोचना होगा समझना होगा मैं इलाह की बात कर रहा था देखें मुख्तसर तौर पर अला तमें पैदा किया है अपने लिए यानी दुनिया अल्लाह से मुलाकात की तैयारी की जगह है अल्लाह ताली हमें ये एज़ाज़ बश बखशे का रोज़ क़्यामत अपनी मुलाकात दीदार और तकर्रब का जजवी तौर पर आपको यहाँ यानी यह ये यह मैं इससे इनकार नहीं करता जजवी तौर पर इन चीज़ों के असर आपको दुनिया में मिल जाते हैं अगर अल्लाह को आप अपनी मंजिल बना लेना तो देखें दिल आपका आरशिला ही बन सकता है दुनिया में एक हद तक आप अल्लाह की तैयार की हुई जन्नत में दाखिल हो सकते हैं लेकिन ये एक आम लफ्ज़ नहीं है इस पर आवाम नहीं समझते लेकिन इसका मैंने तफसी की भी है और फिर भी आ जाएगी इन शी देखें सुकून और इत्मीनान, ये तो आपको मालूम होगा आ, होना चाहिए कि जो मोमिल है जो अल्लाह वाले हैं उनके दिल अल्लाह की याद से आबाद होते हैं और जिस दिल जो दिल अरश इलाही बन जाए तो फिर उसके क्या कहने वो तो ईमान का जायका भी चख लेगा और ईमान की हलावत जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फ़रमाई है वो भी उसको मिल जाएगी तो यहाँ यानी एक गुना असरात आपको मिल सकते हैं और ये यह तो यानी इसमें ऐसी कोई बात नहीं है यानी इतनी गहरी बात नहीं है ये है देखें आप एक मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए एक कमरा है एक कमरा है वो गर्म है एक कमरा है वो ठंडा है गर्म कमरे में अगर आप जाएंगे तो जाहिर है कि आपको गर्मी महसूस होगी सर्द कमरे में जाएंगे तो आपको सर्दी महसूस होगी ये तकरीबन देखें एक तरफ तो दुनिया में भी कुछ लोग अल्लाह की रज़ा को के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं उन पर अल्लाह तैज़ वज़ब है और गु़ा है अल्लाह तुन से नाराज़ है एक तरफ दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन्होंने अपने आप को बेच दिया है तलाश में रज़ाओं की अल्लाह की तो ऐसे बंदों पर वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद अल्लाह ताला ऐसे बंदों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है तो ये नहीं हो सकता और ये तो अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया अफमन काना मुमिनन कमन का काना फासिका फासका क्या है? वो शख्स जो साहिब ईमान है क्या हो वो हो सकता है वो शख्स जो नाफ़रमान है ये दोनों तो बराबर नहीं है मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मसल यस्कर लम हई ये व यमूत ओ कमाकाल मफहूम उस हदीस का है कि अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मिसाल उस शख़्स की जो अल्लाह को याद करता है और वो जो अल्लाह जिसने अल्लाह को भुलाया हुआ है इनकी मिसाल ज़िंदा व मुर्दा की है तो ज़िंदा व मुर्दा तो बराबर नहीं होते ला तस्तविल आमा वल बसीर देखें सारी बातें मैं आपको कुरान और हदीस से बता रहा हूँ कोई मेरी अपनी इसमें इख्तर नहीं है अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है क्या हो सकते हैं अंधे और बीना वला <muchas> वाला तस्तवील <आह्याव> वाल अहयामवा मुर्दे और जिंदा बराबर नहीं हो सकते तो देखें साहिब ईमान लोग जो हैं ये जिंदा हैं अब इनको मौत भी नहीं होगी हिरगज नमी हर के जिंदा शुद्ध दिलश बश्क सब तस्त बर जरीद आलम दवा में माँ शायर कहता है वो दिल कभी नहीं मरेगा ये शायर का कौल नहीं है मतलब शायर ने तो एक अल्फाज का जामा पहना दिया है हकीकत में ये तो कुरान का मजमून है जो दिल इश्क इलाही से जिंदा हो जाए वो जिंदा हो जाता है और कभी नहीं मरता हिरगज़ न मीरत कभी नहीं मरेगा वो दिल जो इश्क के जरिए ज़िंदा हो गया सब तस्त बर जरीद आलम दवा में माँ तो देखें बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है जो कुरानी आयात हैं इसको आप ज़रा हल्का न समझें इस पर गौर व फिकर किया करें तदब्बर किया करें अक़ल इस्तेमाल किया करें ये सारी चीज़ें जो हैं जो कि बयान हो रही हैं ये तो हमें महबूब है यानी खुशनुमा लग देखें एक चीज़ का खुशनुमा लगना है और एक आपने उसे दिल में बसाना है अच्छी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो दिल में भी आप उसको जगह दे दें अच्छी चीज़ जो कि बाहिर नज़र आ रही है वो कहते हैं ना हर चमकती चीज़ जो है वो सोना नहीं होती तो आप जो चीज़ चमक रही है बस आपका उस पर यकीन आ गया है या आपको अच्छी दिख रही है तो आप उस यकीन भी कर लेते हैं उसको अपने दिल में बिठा लेते हैं ये जो चीज़ें बयान हो रही हैं देखें मैं आपको अर्ज़ करूँ अगर ये आपको ज़्यादा महबूब है ये ये आयत जो मैं हम पढ़ रहे हैं ना आयत नंबर चौदह इसको ज़रा क़ुरान से क़ुरान से ही समझने की कोशिश करते हैं और कुर, बेहतरीन तफसीर वो होती है क़ुरान की जो कुरान से ही की जाए बेहतरीन तफसर यानी वजाहत यानी और कुरान एक आयत जो है वो दूसरे की वजाहत करती है ये अक्सर मतलब आप जब शौक़ रखें ना कुरान में तो आपको फिर आप और कुरान का मुताल करेंगे तो आपको वो राहें खुलती रहेंगी या वजाहत होती रहेगी इसकी बेहतरीन तफसीर मैंने आपको कहा कि कुरान से खुद वो है जो खुद कुरान करे अब इसकी वजाहत जो है जो आयत नंबर चौदह है सूर आल इमरान की इसकी वजाहत कुरान में एक दूसरी जगह हुई है वहाँ ज़्यादा वाज है कुल्कान <स्यादागा> आबाकुम व अबनाओकुम वशीरतुम व अजवाजुम व अम्बालक तरफ तुम्हु व तजारतन तखश्न कसादहा अहबिल्कुमिन व रसूली व जहादिन फ़ी सबीली फ़तरब सूह तयात अल्लाह बे अमर वल्हदिलकौमस फ़ासकीन है या िमिन ये तमाम आयत में हो सकता है मुझसे थोड़ी याददाश्त में वो हो लेकिन मफहूम उसका ये है अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया है कि देखो ए लोगो कुल इन कान आप कह दीजिए इन लोगों को जो दावा ईमान करते हैं जो दावा ईमान करते हैं अगर तुम्हारे कुम तुम्हारे वालदेन और तुम्हारे बेटे तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी जौज अजवा जुकुम यानी तुम बीवी के लिए शोहर शोहर के लिए बीवी और जो तुमने माल जमा कर रखे हैं वह वा अम वालों तरफ तुम्हारा व तजारतन तख्सौना कसा दहा और वो तजारत जिसमें नुकसान के से तुम डरते हो और वो घर जिसमें तुम रहते हुए इत्मीनान महसूस करते हो खुशी महसूस करते हो तरदौना उसको चाहते हो ये सारी चीज़ें जो हैं अहब ल रसूल ही व इन फ़ी सबीले ये अगर सारी चीज़ें तुम्हें ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा महबूब हो अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह की राह में मेहनत से तो अब तुम अज़ाब के काबिल हो अब अजाब का इंतज़ार करो तुम पर तुम अजाब इलाही के मुस्तहिक हो गए फतरब बसु इंतज़ार करो यहाँ तक कि अजाब इलाही आ जाए और अल्लाह ताला ना फरमानों को हिदायत नहीं देता तो देखें ये आयत और वो आयत वजाहत करती है आ, ये आयत इसकी वजाहत दूसरी आयत में कि भाई ये सारी चीज़ें जो है जो आपको ज़्यादा पसंद है जुयन से शहवात, खुशनुमा दिखती है लोगों को ख्वाहिशात की मोहब्बत अब ये सारी चीज़ें जो बयान हो रही हैं अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बयान कर दूँ मतलब औरतें हैं और ये नहीं सूरतें औरतें वलबन आपके पेटे हैं वलकनाती रिलमुक रत सोने चांदी की ढेर हैं यानी आपको आपका बैंक बैलेंस पहले ज़माने तो करंसी नहीं होती थी ना करेंसी के नोट नहीं होते थे बहरल ये तो जब कागज़ इजाद हुआ है बाद में तो तब ये करेंसी नोट बहर आपके अकाउंट्स जो भी हैं यानी आज कल के हिसाब से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आपकी आपकी जो जमा की भी दौलत है जो सोने चाँदी है या जिस शक्ल में भी है ये चीज़ें जमा किए हुए ढेर सोने चांदी के बल खैलमसव नशानजदा घोड़ों का मतलब ये है ये नहीं देखें आज कल के ज़माने में आपकी नंबर यानी जो गाड़ियाँ हैं आपके पास मोटरें हैं जो भी है जो भी चीज़ें सवारी की जो भी चीज़ है निशानजदा जाहिर है कि हर आजकल तो हर गाड़ी का अलग नंबर होता है निशान लगे होते हैं उस पर कि पहचानी जाए पहले ज़माने में घोड़ों पर लोग निशान लगा लिए करते थे शनाख्त के लिए वल अनाम, यानी जो उनको प्यारा होता था ना जो महबूब होता था तो उन पर निशान लगा दिया जाता किसी भी तरीके से अनाम, आ, मवेशी जाहिर है कि मवेशी जो थे वहाँ उस वक्त जो थे ऊँट थे इधर आजकल जो है गाय हैं या जो पाए हैं आ, पूरा फार्म हाउस आप बना लेते हैं बाजा अवतः वल हर्ष आजकल जो आपकी लैंड लें, लैंड्स हैं आ, कमर्शल प्लाट हैं रिहायशी प्लाट हैं गांव में जरी जमीन ज़मीन है आपकी जरी ज़मीन है तो ये सारी चीज़ें ये अगर आपको ज़्यादा महबूब है, अल्लाह से और उसके रसूल से तो अब आप के काबिल है ये बात देखें मैं यहाँ थोड़ा सा रुक के कि आखिर क्या वजह है कि इन चीज़ों की मोहब्बत अगर हमारे दिल में हो गई या अल्लाह की मोहब्बत से ज़्यादा हो गई अहब्बमिन रसूली दूसरी आज मैंने आपको पढ़ी ना कि इन चीज़ों की मोहब्बत अगर आपको ज़्यादा हो गई अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम से वजहादिन फीसबीली अल्लाह की राम मेहनत से तो अब इंतज़ार है अजाब का अब आप मुस्त अजाब हैं देखें इसको मजाक न समझें या तो देखें मैं आपको अर्ज़ करूँ या तो हम इस बला यानी इस जो बला है इसमें हम मब्ला हैं या हम नहीं हैं मुबिला या तो किसी शख़्स का दिल इन चीज़ों की मोहब्बत में गिरफ़्तार है या उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ़्तार है और यहाँ ये बात नोट कर लें कि एक दिल में दो मोहब्बतें नहीं समा सकती और ख़ास तौर पर जो अल्लाह ताली की मोहब्बत है ये तो पाक दिल में होती है पाक दिल में ये बात नोट कर लें हम तो गुलाम हैं गुलाम हैं रसूल के गुलाम हैं दावा तो करते हैं रसूल की मोहब्बत का लेकिन हकीक़त में वो मोहब्बत उस वक्त तक यानी उस यानी जब तक आप उस मोहब्बत के तकाज़े नहीं पूरे कर रहे इसका मतलब यह है कि वो मोहब्बत झूठी है ये एक मैं सादी सी बात करूँ इस पर आप गौर करें मोहब्बत का तकाजा होता है हर चीज़ का एक तकाजा होता है दुनिया में जो आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो कुछ तकाज़ों के तहत गुजार रहे हैं आपने घर बना लिया मिसाल के तौर तो, पर एक घर में रहने तो उसका एक तकाजा था आपको आपने घर बना लिया बच्चे को आप पढ़ा लिखा रहे हैं अंग्रेज़ी स्कूल में तो कोई तकाजा जो है वो आपके मद्देनज़र है तो उस तकाज़े के तहत जो है यानी कोई मकसद है तकाज़ा का मतलब यह है बहर मैं अभी वजाहत करता हूँ हर चीज़ का तकाजा होता है यानी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसकी जो भी आप करते हैं उसकी फिर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो फिर यानी कोई काम ज़बान के कहने से नहीं हुआ जाता मिसाल के तौर पे माँ आपकी माँ है वो आप उसे कहते हैं या मिसाल के तौर पे वो ज़रूरतमंद है आ, आप उससे मोहब्बत का दावा करते हैं माँ से मोहब्बत का दावा करते हैं कि माँ आप मुझे तो बहुत आप मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है बेटा एक गिलास पानी तो ला दो आप कहेंगे नहीं माँ आप किसी और से मंगवाए मैं तो यहाँ आराम से बैठा हूँ ये नहीं ये एक मैंने छोटी सी मिसाल दी मोहब्बत का तो फिर तकाजे होते हैं हर चीज़ के देखिए मैं आगे से बात कर रहा हूँ ताकि मैं भी समझ जाऊँ और आप भी समझ जाएं हर चीज़ के तकाज़े होते हैं तो जो भी आप दावा करते हैं उसका तकाजा होता है या एक ग्रोसरी स्टोर में आप चले गए कुछ सामान आपने ले लिया और काउंटर पे आ गए कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है यदि आप जब काउंटर पे वो रख देते हैं तो इसका मतलब यह है आप ज़बान हाल से ही कहते हैं कि भाई ये चीज़ें मेरी ज़रूरत है अब उसका तकाज़ा यह है कि आप पेमेंट करें और वो चीज़ें ले जाएं ऐसे तो नहीं होगा कि बग़ैर पेमेंट किए जो है आपको वो सामान शापर में डाल के वो दे दें होगा ऐसा देखिए बेवकूफ़ हम बनते हैं अक्सर यदि अपने आप को बेवकूफ़ बनाते अल्लाह से मोहब्बत का तकाजा है वो ये है कि तो जाहिदु नफ़ी सभी बिम वालकम वनफिकम माल को अल्लाह की राम खा खपाना या जो असल तकाजा है कि ज़िंदगी अगर आप अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार हैं या दावा करते हैं तो देखा जाएगा कि आप ज़िंदगी किसके हुक्म के, के तहत गुजार रहे हैं अल्लाह ताला ने तो आपको एक दीन भिजवाया हुआ है दीन इस्लाम अभी आएगा उसका तस्करा आगे इन्दीन आहदल इस्लाम अगर आपकी ज़िंदगी इस्लाम के तरीक़े के मुताबिक है तो दावा ईमान दुरुस्त नहीं है तो दावे ईमान झुड़ मोहब्बत का दावा दुरुस्त उस वक्त हो सकता है जब जबकि आपका सर आपने अपना सर झुका दिया हो अल्लाह के हुक्म के सामने और अल्लाह और उसके रसूल की आप इता पर तैयार हों और कर रहे हों तो ये दावा दुरुस्त है लेकिन अगर आपका दावा है मोहब्बत का अल्लाह से और उसके रसूल से लेकिन आपके आमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी ये आप अपनी मर्जी से गुजार रहे हैं तो ये दावा झूठा है देखिए ये मैंने अल्लाह ताला की तौफीक से आपको एक बात बताई है मुझे नहीं मालूम कि कौन आप कौन हैं मुझे आपकी शनाख्त नहीं मालूम लेकिन बहरहाल आप मर्द हैं या औरत हैं लेकिन आप इंसान हैं दीन इंसान के लिए अल्लाह ताला ने उतारा है तो मैं आपको कह रहा हूँ बगैर आपकी शनाख्त हासिल की बगैर मैं आपको कह रहा हूँ कि दावा अल्लाह से दावत न, यानी मोहब्बत जो है वो लाजिम है क्योंकि आमनु आमन हुब्बल हब्बल्ला जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं लेकिन अब शदीद मोहब्बत का अगर आप दावा करते हैं तो उसके फिर आपके आमाल को देखा जाएगा <laughs> कि आप अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ वर्जी में तो ज़िंदगी नहीं गुजार रहे उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो ज़िंदगी को जिन्दगी नहीं गुज़ार रहे आज कल हमारी ज़िंदगी तो आपको मालूम है सामने का ये तो ख्वाहिशात नफ्स जो है उसको हमने अपना खुदा बना लिया है दीन को हमने अपनी नफसानी ख्वाहिशात के ताबे कर लिया है कुछ करते हैं कुछ नहीं करते कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते और जो नहीं मानते वो हमसे कोई मनवा भी नहीं सकता मैं आपको मिसाल घर में घर की देता हूँ जो इकाई है माशरे की मियाँ हैं बीवी हैं और अगर ये यानी आम तौर पे ये देखा गया है कि हम अल्लाह के और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक अपने अखलाक नहीं हैं हमारे बीवी साहिबा की अपनी मर्ज़ी है कब आपसे खफा हैं कब आपसे राज़ी हैं ये उसकी अपनी मर्ज़ी है ये दीन से वो नहीं सीखती उसकी इतनी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं वो खुश है बस उसकी एक तबीयत है मियाँ की अपनी एक तबीयत है मियाँ की तबीयत खुश हो तो वो ख़ुशी खुश खुश बोलेगा तो अगर नहीं हो मियाँ साहब जो है बाहर से किसी की गालियाँ सुन के आए हों तो घर पे आके उनका मूड ख़राब होता है या बीवी ने घर पे आके कुछ सुना दी कड़वी कसीली बातें तो मियाँ साहब का मूड बिगड़ गया और फिर वो अलग कहीं लाइब्रेरी में जा के बैठ गए और बस खाना पीना या बाज़ार से जा के बर्गर ले आए मैंने नहीं खाना खाना खा लो तुम लोग मिसाल के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ देखें ये इस्लाम हमें ये जो आम जिंदगी है इसकी हिदायत दरअसल देता है आम जिंदगी जो अखलाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बसतलम मकार अखलाक मैं इसलिए भिजवाया गया हूँ कि अखलाक की तकमील करूँ लेकिन आप तो ऐसा नहीं समझते आप कहते हैं मैं तो बस देखो अभी मैंने नमाज पढ़ी है जहर की पढ़ ली है अब असर की पढ़नी है और मैं हर रोज़ एक से पारा क़ुरान पढ़ता हूँ और जक़़़़त मुश्किल ज़क़़़़़़त दे देता हूँ मैं अगरचे मेरी मर्ज़ी नहीं होती खुशी से मैं नहीं देता लेकिन मजबूरी से दे देनी दे पड़ती है रमज़ान के रोज़े मैं खुश हूँ या ना खुश हूँ तो मैं रख लेता हूँ क्योंकि अगर मैं ना रखूँ दिल तो नहीं जाता लेकिन यह है कि ना रखूँ तो फिर ये इधर उधर वाले देखेंगे कि मेरे होंट जो हैं खुश नहीं है तो फिर मुझे थोड़ी सी खजालत महसूस होगी तो उस खजालत को मिटाने के लिए मैं रोज़े भी रख लेता हूँ और सैरी तो रोज़ा रखूँ या न न रखूँ सैरी तो मैंने करनी है और ईद रोज़े रखें या न रखें ईद में तो शीत शेर खुरमा तो खाना है पुलाव जरदा तो खाना है तो देखें ये मैं आप बुरा न माने लेकिन ये हमारी ज़िंदगी है आवाम की ज़िंदगी ऐसे ही है कि वो किसी रूल्स रेगुलेशन के ताबे नहीं है इनका रूल रेगुलेशन इनकी अपनी ख्वाहिशात हैं मज़मून जारी है मैं तिलावत करता हूँ मेरे साथ दोहराइए बसमिल्लर जु ना सेब शहबाते مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاتِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْأَنْعَامِ بالحرس ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة

मजन कर दी गई है लोगों को मोहब्बत ख़्वाहिशात की औरतों में से वलबन बेटों में से वल़नातीमुकन्तरत मिनब वफ़त वल जमा किए हुए ढेर सोने और चांदी के वलैलमसवत निशानजदा घोड़े बल अनाम आम बल हर्ष खेतियाँ ज़ाल के मतल दुनिया ये दुनियावी ज़िंदगी का आर्जी सामान है हुस्नुल वाहुसन अल्लाह के पास बेहतरीन अंजाम है कुल अनबेकुम बैर मिन उनसे कहिए कि क्या मैं न बताऊँ बेहतर इससे इन तमाम चीज़ों से बेहतर चीज़ लजी नबिम जो मुतफ़ी हैं उनके लिए रब के नज़दीक जन्नातुन तजरी मिनतः हल अनहार बागात हैं जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी ख़ालदी नफीहा वो उसमें रहेंगे बाजवाजुम मतहात और जो जोड़े पाक व रजवान बिल्ला और रजा अल्लाह की रज़ाएँ वल्ला बशीर उम बिलबाद अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है अब अबिनायत की तिलावत और तर्जुमा पनह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूत से बिस्मिल्ल ही रोश में निशी शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहन वाला है زُيِّنَ للناسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ وَالْقَنَاطِيرِ المقنطرة مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ लोगों को उनकी ख्वाहिशों की चीजें यानी औरतें और बेटे और सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेर और निशान लगे हुए घोड़े और मवेशी और खेती बड़ी जीनतदार मालूम होती हैं. मगर ये सब दुनिया ही की जिंदगी के सामान हैं और खुदा के पास बहुत अच्छा ठिकाना है قل أُنَبِّئُكُم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان ल्लाह। पैगंबर उनसे कहो कि भला मैं तुमको ऐसी चीज बताऊँ जो इन चीजों से कहीं अच्छी हो सुनो जो लोग परहेजगार हैं उनके लिए खुदा के यहाँ बागाते बहिश्त हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं उनमें वो हमेशा रहेंगे और पाकिजा औरतें हैं और सबसे बढ़कर खुदा की खुशनुदी और खुदा अपने नेक बंदों को देख रहा है ताम इसके साथ आज के दर्स का वक्त अख्ताम को पहुँचा अगले दर्स में इनशा मुलाकात होगी व आखिर दावाना